तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे डेटा मेनूबार में, और डेटा मेनूबार में कुछ और नए फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी लास्ट क्लास में जो आपके साथ डिस्कस किया और कि कैसे डेटा को कनेक्ट किया जाता है, क्यूरी कनेक्शन को कैसे यूज करेंगे, पावर क्यूरी कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हमने आपके लास्ट क्लास में इस्तेमाल किया। अब हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि कुछ पहले कुछ सिटी का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, सिटी में दिल्ली, दिल्ली नोएडा, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। कुछ दिख रहा है सर? कुछ समझ में आया कि नहीं सर? आ रहा समझ में सर। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा टाइप होता है, जैसे मैं यहाँ पे जियोग्राफिकल डेटा दिया हुआ, राइट? तो मैंने कुछ सिटी का नाम जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, ओके? उसके बाद डाल देता हूँ कराची, न्यूयॉर्क, और पटना, ऐसे कुछ सिटी का नाम है। तो इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं हमें डेटा टाइप में, अगर मैंने जियोग्राफिकल डेटा दे दिया तो इसको रीड करेगा गूगल बींग से कनेक्ट करेगा, इससे इंटरनेट होना जरूरी है सर, ठीक है? उसके बाद आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस सिटी का पूरा पूरा आ जाएगा, और साथ में उसकी एक इमेज, उसकी जो वहां का जो पॉपुलर है, जैसे दिल्ली का न्यू दिल्ली का पॉपुलर है कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, वो यहाँ पे आ गया, उसका पूरा एक शॉर्ट यहाँ पे आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, किस सर्दी से है, कितना पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, ये पूरा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और पूरा एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है, एक पूरा उसके बारे में डिटेल आ जा रहा है, ठीक है? जैसे पटना है हमारा, बिहार का राजधानी है, देखिए पटना का ये आता है गुरुद्वारा है, उसके बाद बिहार का है कंट्री है, पॉपुलेशन इतना है, एरिया इतना है, लॉन्गिट्यूड है, और इस पटना के बारे में एक पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। ये चीजें आपको यहां से कर सकता है। तो एक आता है स्टॉक, इसमें और भी चीजें हैं, ये दो ही है, तो इसमें और कुछ नहीं है। एक आता है स्टॉक, स्टॉक स्टॉक में जैसे कि मैं, अगर हम गूगल पे जाते हैं, स्टॉक विथ आई, जैसे हमने यहां पर कुछ एक बार लिख के देखते हैं। हालांकि इससे मुझे लग रहा है नहीं उठाएगा, क्योंकि इसको कंपनी की चाहिए होता है, जो होता है ना की होता है उसका, एक क्या बोलते हैं उसको, आई क्या बोलते थे उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक आईडी टाइप का होता है ना, उसको कुछ बोलते हैं सर। इसको सेलेक्ट करके अगर मैंने इसको स्टॉक किया, आ गया सर, इसी पे पूरा इसका स्टॉक का डिटेल आ रहा है कि कितने रुपए का है, कितना परसेंट गिरा है, कंपनी का रिटेल क्या है, कंपनी के प्राइसेस क्या है, और बाकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। इसलिए कोई गूगल शूगल करने की जरूरत नहीं। तो शिवचैन जी एंड अब्बासी जी, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं नहीं सर। कमाल की चीज है ना सर, ये नया फीचर आया है। उसके बाद नॉर्मली शॉर्ट है, शॉर्ट तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, फिल्टर भी पढ़ाया था, लेकिन इसमें एक एडवांस फिल्टर है, एक थोड़ा सा देखने वाली चीज है।
इसलिए एडवांस फिल्टर को हम पढ़ते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर के लिए जाहिर सी बात हमें डेटा चाहिए होगा। ये रहा हमारा डेटा। तो बेसिकली अगर इसमें से फिल्टर कई सारे क्राइटेरिया पे फिल्टर करना है तो आपको वन बाय वन यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए मुझे हम यहाँ एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि हमें इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते, क्योंकि इसमें लगा हुआ है रैम बिल्डिंग का फॉर्मूला और बार बार अपना नंबर चेंज कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए पूजा, मुझे चाहिए लीला, अमर, जीके, दे एंड नाथ, इतना ही मान लीजिए। पूजा की पूजा चाहिए जिसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 75 हो, बाकी चलेगा। लीला का चाहिए जो कि एम यू जेड का होना चाहिए और इसकी अमाउंट जो है ग्रेटर देन 1500 होना चाहिए। अमर का एरिया जो है नॉर्थ का होना चाहिए, मुझे नॉर्थ चाहिए। और जीके का मुझे चाहिए जिसका लेस देन 50 सेल हो और देव का ओवरऑल चाहिए। तो इस तरह की डेटा के लिए आप जो डेटा आपको ट्रैक करना है, बाहर निकालना है या फिल्टर करना है, तो उसके लिए आपको वन बाय वन पहले आप इसको करोगे फिर इसको करोगे, क्योंकि एक साथ तो सारा होगा नहीं फिल्टर में, लेकिन एडवांस फिल्टर में एक साथ हो सकता है। एडवांस फिल्टर में हम आएंगे, क्राइटेरिया में जाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड जस्ट ओके कर दी। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब के हिसाब से डेटा हमारा सिलेक्टेड हो गया सर। लेकिन मुझे डेटा कॉपी करना है किसी और जगह से, तो यही पे एडवांस फिल्टर में यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन दिख रहा होगा और कॉपी कहाँ करना है उस एरिया का जगह देते बैक। तो क्या मैं कॉपी किसी और चीज पे कर सकता हूं? तो 2016 तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप अपना डेटा कॉपी टू अदर लोकेशन कर सकते हैं, आपको कॉपी जो है सेम चीज पे ही होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर 365 में कुछ चेंज हुआ हो, नहीं चेंज नहीं हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं सिर्फ एक्टिव शीट पे। इसमें एक फीचर और भी है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, मतलब यूनिक रिकॉर्ड ओनली कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो नहीं आएगा। तो एडवांस फिल्टर समझ में आ गया, अब बातचीत जी एंड डिटेल भी। यस सर आई गॉट इट। डिटेल जी आपको समझ में आया? हाँ जी आ गया। क्या समझे समझाइए हमको। बस इसमें यही है कि इसमें क्राइटेरिया आपने लगाना है कि आपको जो बस आपने बताया है कि हर किसी जो इंडिविजुअल है उसका अलग-अलग क्राइटेरिया है, तो उसको उधर से फिल्टर करने के बजाय पहले पूजा को फिल्टर करो कि मोर देन 75 क्वांटिटी के लिए, फिर लीला को करेंगे, तो राधा देन कि अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ लिख लें सेपरेट और इसको कॉपी पेस्ट कर दें उसके क्राइटेरिया में, तो वो उसके हिसाब से फिल्टर कर देगा। क्या बेनिफिट क्या होगा इसका? बेनिफिट होगा कि हमारा टाइम बचेगा। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑफिस में इसको यूटिलाइज कर पाएंगे? फाइनेंस में इसका यूज कोई नहीं है। मैंने मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ अपने 8-10 सालों में कि ऐसा कोई चीज आए और मुझे उसको ऐसे फिल्टर करना पड़े सो मेनी कंडीशन के साथ। ओके, तो जैसे हाँ
आपको इससे पहले मान लीजिए कभी नहीं आया होगा, इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके पास आपको इससे पहले की चीजें पता ना हो, आप इसको करते हो मैनुअल। हाँ फीचर तब देखिए, पता क्या, मैं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ना अभी तक, मैंने जितने लेसन लिए हैं इससे मुझे पता चल रहा है कि सिस्टम कर क्या सकता है। याद रहने वाली बात वही याद रह जानी है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़नी है, जिसको मैंने बार बार करना है, बाकी सब चीज़ें मेरी मेमोरी से साइड पे हो जाएंगी। लेकिन जब मुझे पता चलेगा, हाँ मुझे याद आ जाएगा कि यार ऐसा कोई फीचर है और इस जगह पर है, देन यस कि मैं वापस जाके देख सकता हूँ कि वो क्या हेल्प कर रहा है फीचर मेरी। ठीक है, ये जो फीचर्स मैंने आपको सचिन जी बताया, ये फीचर्स जनरली जो है बहुत कम यूज होता है, इसीलिए इसको होम में दोबारा में जगह नहीं दिया गया, फिल्टर का जगह दिया गया है। हमारे पास भी यही सादा सिंपल फिल्टर यूज होता है। तो वहाँ पे ये होता होगा कि आपको किसी एक पर्सन का डेटा चाहिए होता है, समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए मुझे पूजा का दिल्ली का डेटा चाहिए, या फिर मान लीजिए देव का दिल्ली का डेटा का डेटा चाहिए, लेकिन जो आपके कई सारे क्राइटेरिया पे डेटा चाहिए होगा, डेटा फिल्टर करना होगा, तो आपको इस तरह की चीजें जरूरत पड़ सकती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेटा कॉपी करके निकालना है वो भी अच्छी बात है। ये पॉसिबल है कि अभी क्योंकि जो क्राइटेरिया में आपने लगाया पूजा की जो क्वांटिटी है मोर देन 75 है, वो हमें फिल्टर करके यहाँ पर दे दे, उसने पूजा की जो है वो क्वांटिटी मोर देन 75 फिल्टर करके दे दी है, तो अगर पूजा की क्वांटिटी मेरे पास एक और होती तो ये उसको पूजा के क्वांटिटी के हिसाब से फिल्टर करेगा, और अगर यहाँ पर मोर देन 75 एक और फील्ड होती तो क्या उसको सेम ऑर्डर में डालता, पूजा पूजा आता, क्योंकि अभी तो पूजा की। आप जैसे आपने बोला, मैं जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कर रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए पूजा एक और पूजा है और हम इसमें चाहते हैं कि लेस देन 25 दे दे, ये बोल रहे ना आप। हाँ जी, ग्रेटर देन 75 और लेस देन 25, जी हाँ ऐसा किया जा सकता है, मैं करके दिखा रहा हूँ एडवांस में, कॉपी टू अदर लोकेशन और क्राइटेरिया में, इस बार मैं पूरा नहीं सिर्फ पूजा का एरिया ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉपी टू चाहिए एनओ के कर। तो पूजा का एमआरपी देखिए आप, आपका दिख रहा है सिर्फ पूजा ही आया हुआ है और इसमें 84, 90, 89 ग्रेटर देन 75 और लेस देन 25 का ही है, इसे देखिए कहीं पे 50 या 35 ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मल्टीपल करेंगे तो इसको ऑर्डर में डाल देगा। नहीं लेकिन देखा ये ऑर्डर में नहीं है ना, कि पहले जो एक ग्रेटर देन 75 है उसको दिखा रहा है, वो ऑर्डर नहीं करेगा, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, वो जैसे जैसे डेटा का सिक्वेंस होगा उस सिक्वेंस को लेगा सर। ये पूछना चाह रहा था, उसको उसको फिर सॉर्ट करना पड़ेगा, हमें डेटा सिक्वेंस को लेके आएगा, ठीक है, आगे बढ़े सर। हाँ जी, अब बात करते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम सर आप जानते होंगे क्या करता है, पता है सर? यस सर, ये जो अगली फील्ड्स है ना, डाटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन, इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे फाइनेंस में। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे हमने दिया ये, मैं आपको एक अगली क्लास में बताऊंगा सर, आज आज तो हम डेटा वैलिडेशन तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका अगला टॉपिक हमारा है एडवांस डेटा वैलिडेशन, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे पास एक डेटा आया सुजीत कुमार न्यू दिल्ली, ओके okay. अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो है पूरा डेटा, कई बार होता है जब नोटपैड से डेटा या कहीं और से लेकर आते हैं तो मेरा पूरा डेटा इसी सेल में उन्हें डाल दिया हुआ है, मुझे इसको हर सेल को अलग अलग में करना है, मैं सुजीत कुमार को अलग करना है, न्यू दिल्ली को अलग करना है, नंबरों को अलग करना है, लेकिन मुझे इसको पता है कि मेरा सेपरेटर जो है कॉमा है, राइट, तो यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड में आइए और यहाँ पे मैंने कॉमा ले लिया, फिर कॉमा के लिए आपके अलग करना है, तो क्या करेगा कि जहां से कॉमा होगा उसको तोड़ के अलग अलग सेल में दे देगा, समझे सर?
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा जो है पता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ 8825793 समझ गए। लेकिन मुझे इतना पता है कि 10 डिजिट है, पर किसी में कॉमा है, किसी में स्पेस है, किसी में हाइफन है, मुझे सबको अलग अलग कॉलम में करना है। तो उस केस में यहाँ फिक्स बिट दिख रहा है, फिक्स बिट पे हम कर्सर रख देंगे कि मुझे यहाँ, हमने इसको सिलेक्ट करके इधर, समझे सर। फिर जब बोलेंगे सर ये तो मैनुअल कर ले कि मान लीजिए सिर्फ एक डेटा नहीं है, ऐसे नीचे और भी बहुत सारे डेटा है, तो विड्थ के हिसाब से वो अलग कर देगा। हो गया सर जी। टेक्स्ट कॉल बैंक स्टेटमेंट वगैरह में हमें चेक नंबर वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चेक नंबर का लेंथ 6 डिजिट होता है ना सर, इसका इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, और भी इसके और यूज, ये तो नॉर्मल यूजेज हैं, और भी बहुत सारे यूजेज इसके हैं। जैसे कि अगर किसी को आपने नंबर को टेक्स्ट में लिख रखा है, अब इसको मैंने यहाँ से मेरा यही क्वेश्चन लगा था, शायद आपने पहले बताया हो, यही जो पीछे हमारे पास ये टेक्स्ट था सर, फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इसकी बात कर, अगर ये टेक्स्ट में है तो इसको नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो मैं हमें आपने मुझे वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि टेक्स्ट में डाला हुआ है, मुझे उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट कॉलम पे जाना है और क्लिक कर देना है। दिखा सर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं सर राइट क्लिक करके जो टेक्स्ट डाला है उसको नल कर दूं, तो कहने का मतलब है कि आप टेक्स्ट अगर डाला हुआ है तो जनरल कर देंगे, तो जो नया एंट्री करेंगे वो ना जनरल में एंट्री होगा, जो पहले से ऑलरेडी एंट्री हो चुका है वो तो नहीं रहा होगा सर। बात समझ में आया सर। तो उसमें बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम करता क्या है कि हर एक सेल पे जाता है और इस तरह से एंटर मारते चला जाता है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, डेटा मेनू बार में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलन में, और इसमें कुछ नहीं करना है, फिनिश कर देना है। हो गया। अब फिर इसका यूज हम लोग डेट पे भी करते हैं। जैसे मेरा सिस्टम डेट है MMDDYY, पहले मंथ फिर डे फिर ईयर। लेकिन मान लीजिए किसी ने मुझे डेट भेज दिया इस तरह से, जैसे कि 10.08 आज का डेट इस तरह से, समझे सर। अब मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, नेक्स्ट, यहां MDY दिखेगा, इसको सिलेक्ट कीजिए DMY एंड फिनिश। बन गया डेट सर, वो भी MMDDYY में। कभी कभी हम अगर डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह से भी हो जाता है 2020.10.08, ये भी एक तरह का डेट होता है। दिख रहा है सर, 2020 दसवां महीना और 8 तारीख, इसको भी टेक्स्ट टू कॉलन में नेक्स्ट नेक्स्ट और डेट में यहां कर दीजिए YMD। अब देखिए ये आपका डेट बन चुका है। शिवचंद जी समझ में आया आपको सर। अगर हमारे पास समटाइम क्या होता है कि हमारे ईमेल में ना कोई डाटा आता है, ठीक है, अब उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अटैचमेंट नहीं लगाते एक्सेल के अंदर, ईमेल में सब कुछ करके फेंक देते हैं, अब उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर लेके आ गया, अब वो तो नंबर्स में नहीं है, तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज यूज करनी पड़ेगी।
ब्रह्मा का सर्वन करने के बताया ना, टेक्स्ट कॉलम सीरीज का बेस टेक्स्ट है, दिखाया ना आपको बना के। ओके नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होता है ना। डिपेंड करता है कि आप ईमेल कहाँ से कॉपी करते हैं। अरे मैं वहाँ ट्राई करूँगा ईमेल से कॉपी करके। अगर आप ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर से कॉपी कर रहे हैं तो नंबर पर इंसान से नंबर जो टेक्स्ट में नहीं होगा। अगर आपने लोटस नोट और बाकी से कॉपी किया तो टेक्स्ट में हो सकता है। ठीक है सर, आपकी आवाज दूर से आ रही है। तो ब्लूटूथ पीछे चला गया गर्दन के। अब ठीक है सर? अब ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैग शील्ड हमने लास्ट क्लास में किया था। सेकेंडरी आता है हमारा वो आता है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे कि अगर आप ये कौन सा हमने पहले किया था फ्लैश शील्ड हमने होम मेनू बार में कराया था। होम मेनू बार में यहाँ होता है ना फिल में, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देंगे। सर मैंने बताया था सर, नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम को अलग करने का। ओके ओके ओके। जाने यहाँ पे नेम लिखा पूजा सिंह आपने कर दिया, अब मुझे इसमें से लास्ट नेम, ऐसे बहुत सारे नाम है आपके, तो लास्ट नेम अलग करना था ना। ठीक ठीक। तो इसमें से हम यहाँ सिंह को किया एंटर मारा, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फ्लैश किया। आ गया सर, तेज फ्लैश निकलता है। रिमूव डुप्लीकेट में हम बात करें, इसमें नाम नंबर बहुत टाइम है, मुझे इसको डुप्लीकेट इसको रिमूव करना है। तो यहाँ आप डेवलपर में यहाँ आता है रिमूव डुप्लीकेट, तो यूनिक को रखेगा और डुप्लीकेट को हटा देगा। लेकिन अगर आपने जैसे कि मान लीजिए कि मैंने डेटा नेम और क्वांटिटी को लिया हुआ है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट किया नेम और क्वांटिटी के बिहाफ से, दैन ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए 5953 यूनिक वैल्यू है, सिर्फ 204 यूनिक ये आपका आता है यूनिक है। तो बोले से ऐसे क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों का मैच किया कि पूजा 84 जहां जहां होगा उसको डिलीट करें। अगर पूजा जो है मान लीजिए 52 है तो ये यूनिक हुआ, डुप्लीकेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम में रिमूव डुप्लीकेट में गया और यहां से मान लीजिए क्वांटिटी छोड़ दिया, तो आप नेम के बिहाफ से करेगा एंड ओके। अब इसको सिर्फ एक नाम दिया, दूसरे नाम पे क्या वैल्यू उससे मतलब नहीं। तो रिमूव डुप्लीकेट करते समय यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए मेरा डेटा है, मैं चाहता हूँ कि इस जो डेटा है उसमें मेरा एक बार में एक ही नाम आए, बाकी डेटा कुछ भी हो, बस पूजा का एक रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद मोहन का एक रिकॉर्ड आ जाए, ऐसे एक एक रिकॉर्ड आ जाए। तो उस केस में इसको सिलेक्ट करके जब आप रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो ये सारा आईडी चेक होगा, ये सबको अनचेक कर दीजिए। सिर्फ नेम को छोड़ दीजिए, नेम छोड़ दिया देन ओके हो गया डिलीट सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हेलो नहीं है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे का ऑप्शन आता है, वो आता है वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। मतलब अगर आप कोई अभी जैसे ये डेटा वैलिडेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइपिंग करने के लिए, मतलब कि जो डेटा पहले से राइट है उस पर ये वर्क नहीं करती है, आप जब टाइप करोगे तब के लिए, समझे? जैसे कि अमाउंट है और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस में एंट्री ना कर, इसे कोई भी एंट्री करे होल नंबर मिलती है, समझ गया? तो उस केस में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे होल नंबर सिलेक्ट करूंगा। क्राइटेरिया में मैं ग्रेटर देन जीरो कर दिया कि जीरो से बड़ा कोई भी इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन करना है ना, जीरो से कोई भी बड़ा होल नंबर होगा, मतलब कि डेसिमल नहीं होगा, होल नंबर होगा।
एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे मैं कोई डेसिमल डालूंगा एक एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं रहेगी, नहीं लिया ना सर, ये एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं रहेगी। उसी तरीके से मान लीजिए मुझे नंबर बिटवीन का डालना है और डेसिमल चलेगा तो डेसिमल ले लीजिए, और बिटवीन हमने बोला कि यहाँ पे स्किप गलती गलती से हमने यहाँ पे डेसिमल बिटवीन में बोला कि 50 से लेके 500 तक की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं 52 डालूँ चलेगा, 1000 डालूंगा तो नहीं चलेगा। उसी तरह से मान लीजिए मेरा एक स्थिति है, वो तो मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में थोड़ी भी है, क्या बोले आपने तो डेटा रिलेशन में डेसिमल बोला था, ये 52 डेसिमल में तो नहीं है, जरूरी नहीं डेसिमल डाला से मतलब है डेसिमल में ही होना चाहिए, डेसिमल भी लेगा मैंने बोला। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं डेसिमल भी डाल सकता हूँ बट यहाँ पे डेसिमल नहीं डाल सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आता है, मतलब कि मेरे पास मान लीजिए 4-5 स्थिति का लिस्ट है, मैं चाहता हूँ 4-5 ही हो, या ड्रॉप डाउन बनाना है तो यहाँ आप डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे दे दीजिए कि न्यू दिल्ली कॉमा पुणे कॉमा नोएडा कॉमा उदयपुर, ठीक है। अब जो है यहां पे एक तो ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, और इसके अलावा अगर मैं कोई एंट्री करता हूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गया सर। इसको दोबारा कीजिएगा एक सेकंड, क्या दुआ करो, यहाँ डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, अच्छा लिस्ट, ठीक 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 सही, यहाँ पे कॉमा डाल दी। लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे पास तो ऑलरेडी बनी बनाई लिस्ट है, जैसे नाम का है, मैं चाहता हूँ ए लू, समझे ना, मैं चाहता हूँ ए लू, तो मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन में आऊंगा, लिस्ट में जाऊंगा और इसको सोर्स में सेलेक्ट करूंगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है सर, इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओके जी, को डाउट इसमें नहीं सर। सर अगर इनके सर्चेबल करेंगे तो वो हो सकते हैं क्या सर्च, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे वो खुद आएंगे, आप जैसे कि नहीं सर्च रिजल्ट एस बोलते हैं आपका पीछे जैसे ए आता है ऑटो सजेशन, आप ऑल्ट राउंड एरो करेंगे तो लिस्ट यहाँ दिखेगा लेकिन सर्च नहीं करेगा, नहीं मतलब लंबा अगर लंबे लिस्ट है ना उनके तो टाइम लेंगे ना, मतलब चलो 100-200 लिस्ट है फिर मैं तो 200 वाला चाहिए तो फिर 1-2-3 चल जाएंगे ना, टाइम वेस्ट कर सकते ऐसा ना। नहीं इसमें अभी सर्चेबल की तो नहीं है, हालांकि इसका वीवी प्रोग्रामिंग के मदद से हम बना सकते हैं। अच्छा वीवी में वो भी हम लोग शायद पढ़ाई करेंगे ना, हाँ आगे करेंगे, हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया आपको जी सर। चलिए तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे एडवांस डेटा वैलिडेशन के बारे में। सर एक मैसेज भी किया मैं, वो मेरा तो कंसोलिडेट नहीं हो गया, मतलब मेरा एक डेटा था उनका मैं एनजेड पिवट टेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स किया, लेकिन हाँ तो आपके जो हीडर पहले बताइए जो आपका डेटा का हीडर है क्या वो पहले नंबर के पोजीशन पे है या अलग पोजीशन है उसका? सेम पोजीशन है। नहीं नहीं जैसे इसका रूल ये होता है कि जो आपका डेटा का हेडिंग है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहला रो होना चाहिए।
अगर टाइम है तो मैं शेयर करेगा मेरे स्क्रीन को, ठीक है? मैं शेयर करेंगे तो फिर देखो, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, शेयर कीजिए।